दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको ये तो पता होगा कोई भी बिजनेस विदाउट लीड्स के नहीं चलता है। अगर आपके पास लीड्स है तो आप उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो और आप उससे इनकम को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन बिजनेस ओनर्स की ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें लीड जनरेट करना आता ही नहीं, उनके पास लीड्स ही नहीं आती। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत सारी लीड्स। आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप काफ़ी सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर प्रोफाइल नाम की एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइनअप कर रखा है तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन आपके सामने साइनअप का ऑप्शन आएगा तो सिंपल आपको वहाँ पे साइनअप कर लेना है। दोस्तों, साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई स्टोर। तो आपको सिंपल इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप इस टूल को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे राइट में प्रीव्यू भी देख सकते हो। आप जो चीज़ें यहाँ पे ऐड करते जाओगे वो यहाँ पे राइट में आपको दिखती जाएगी प्रीव्यू के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल एडिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना एक प्रोफेशनल नाम, जिस भी नाम से आप बिजनेस करते हो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक यहाँ पे अटैच कर लेने हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो तो आप यहाँ पे सिंपली कर लोगे। अब आप यहाँ से लीड्स कैसे जनरेट करोगे, तो सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड प्रोडक्ट का, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एड अ लीड मैग्नेट, सिंपली आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक लीड फॉर्म बना सकते हो। बेसिकली ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक फॉर्म बना सकते हो जिसको कि कोई भी फिल आउट कर सकता है और वो जो डिटेल फिल करेगा वो डायरेक्टली इस टूल के अंदर आपके पास आ जाएगी, जिनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उस लीड को आप एक कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे बेसिक लीड फॉर्म पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे आप इसका थंबनेल यानी कि इसका कवर इमेज भी लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हो। अगर आपका कोई पोस्टर है, बैनर है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे कॉल टू एक्शन है तो यहाँ पे आप फील फॉर्म लगा सकते हो, या आप यहाँ पे कुछ और भी अपने अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन यहाँ पे दे सकते हो। फिर ये करने के बाद आपको लोगों से क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको उसका नाम चाहिए तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी कस्टमर की चाहिए तो वो ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको उसका फ़ोन नंबर चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके राइट में एक और ऑप्शन दिख रहा होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का, तो आप इसको डिसेबल कर दो, क्योंकि अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो कोई भी कस्टमर अगर डिटेल्स फिल करता है, अपनी ईमेल आईडी डालेगा या अपना फ़ोन नंबर डालेगा, तो सबसे पहले उसे ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करेगा, तो आप इसको यहाँ पे डिसेबल रख सकते हो। ये करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे एडुकेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको उसकी और भी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हो, आपको यहाँ पे नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मतलब आपको उससे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक चाहिए तो वो आप यहाँ पे लिंक पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको उनकी लोकेशन चाहिए तो आप वो लोकेशन भी यहाँ पे रख सकते हो। आप यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या मान लीजिए आपको उसे कोई फोटो चाहिए या कोई फाइल चाहिए, वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज आपको इमेज चाहिए तो यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, फिर नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालना है कि आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो सपोज आपको उनकी इमेज चाहिए तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया प्लीज़ अपलोड योर इमेज। तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर आके अपनी इमेज को अपलोड कर सकता है। अब इस फील्ड को आपको कंपलसरी रखना है या नहीं रखना है तो आप वो आपके ऊपर है। अगर कंपलसरी रखना है तो आप सिंपल इसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको अनटिक भी कर सकते हो। तो दोस्तों, केसेस तो अपन ने यहाँ पे फिल कर लिए, अब आप उनको कस्टमर्स को फ्री में कुछ गिव अवे दोगे तभी तो वो उस फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि यार तू ये फॉर्म भर दे, तो वो उस फॉर्म को मैं क्यों भरूंगा, मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है। तो उसके लिए आपको उनको कुछ फ्री में गिव अवे देना पड़ेगा, कुछ फ्री गिफ्ट्स देने पड़ेंगे तभी तो वो उस फॉर्म को फिल आउट करेंगे। तो वो गिफ्ट्स आप उनको कैसे दे सकते हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको गिव अवे का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप उनको क्या गिव अवे देना चाहते हो तो वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे कि आप उनको कोई ई बुक देना चाहते हो तो वो ई बुक आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। कोई बंडल देना चाहते हो तो वो बंडल आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कोई भी फ्री गिफ्ट हो सकता है तो वो जो भी है कोई तो वो जो भी डिजिटल फ्री गिफ्ट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, एंड उसका आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो और उस गिफ्ट का आप यहाँ पे थंबनेल भी लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बार एक फाइल अपलोड कर देता हूँ।
अब ये फोन कस्टमर को कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका लिंक चाहिए। तो वो लिंक कैसे मिलेगा, आपको सिंपल यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। आप जैसे शेयर पे क्लिक करोगे ये लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको कि आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, चाहो तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने गूगल में यहाँ पे दूसरे टैब में इसको ओपन करता हूँ, तो देखते हैं ये अपना फ़ोन कैसा दिखता है। यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, अपनी ईमेल आईडी डाल दी। मैं यहाँ पे सिंपली अपना यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे गेट योर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म फिल हो चुका है और यहाँ पे मेरे सामने डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ चुका है। मतलब आपने जो गिवअवे में जो फाइल अपलोड करी थी वो कस्टमर को ये फॉर्म फिल करने के बाद मिल जाएगी, जिसको कि वो सिंपल यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके एक्सेस कर सकता है। अब दोस्तों कस्टमर का तो काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आपको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, मतलब जिस बंदे ने वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी वो आपको कैसे दिखेगी, आपको उनका डेटा कैसे मिलेगा। तो सिंपल आपको वापस सुपर प्रोफाइल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको अपना बेसिक फॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्सेस वाले पे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओल्ड रिस्पॉन्सेस दिख जाएंगे, न्यू रिस्पॉन्सेस भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी लोगों ने उस फॉर्म को फिल किया था वो सारा डेटा आपके मेल के ऊपर भेज दिया गया है, मतलब जिस मेल से आपने यहाँ पे सुपर प्रोफाइल के ऊपर अकाउंट बनाया था। आप जैसे एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करोगे जितने भी लोगों ने वो फॉर्म फिल किया था उन सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन आपके मेल के ऊपर आ जाएगी एक एक्सेल फाइल के रूप में, जिसको कि आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको वॉच कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वो मेल मुझे यहाँ पे आ चुका है सुपर प्रोफाइल की तरफ से, जिसके यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक फाइल दिख रही है मेरे को, जिसके में मैं सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जिसको कि आप सिंपल वॉच कर सकते हो। जैसे कि मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे गूगल शीट ओपन हो चुकी है, जहाँ पे मेरे को वो सारी डिटेल्स कस्टमर की दिख रही है। जैसे कि किसी कस्टमर ने वो इन्फॉर्मेशन कब फिल किया वो डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, मतलब उसकी सबमिशन डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसका नाम क्या है, वो उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने अकेले ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, तो मेरे सामने यहाँ पे एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अगर आपके फॉर्म को मान लीजिए ज़्यादा लोगों ने फिल कराया, तो जैसे आप वो एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करोगे इस सीट के अंदर आपको उन सभी लोगों की डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। तो दोस्तों सुपर प्रोफाइल के इस ऑप्शन का एक और बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे मैन्युअली एक्सेल सीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको एक्सेल सीट मिल जाएगी, जिसको कि आप फेसबुक एड्स के ऊपर लगा सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से, सुपर प्रोफाइल की हेल्प से। आप सिंपली यहाँ पे एक गिव अवे फॉर्म बना सकते हो और लीड्स को जनरेट कर सकते हो, देन उस डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेल में अपने मेन के ऊपर ले सकते हो और उसको फेसबुक एड्स के ऊपर चला सकते हो, या चाहो तो आप मैन्युअली किसी भी कस्टमर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पिच कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को 4 times बढ़ा सकते हो। तो ये टूल सुपर प्रोफाइल आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है, इसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। इसका ये लीड मैग्नेट फीचर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों सुपर प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप सिंपली क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप सिंपली मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों में शेयर कर देना जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।